नमस्कार, मैं पंकज, आप सबका स्वागत है द ग्लोबली न्यूज अपडेट्स में। और हम आपको लेके आए हैं खुलाई बख्तरी तुलसीनगर, जहां पे आप देख पा रहे हैं अर्धसैनिक बल BSF, सीमा सुरक्षा बल और पश्चिम बंगाल पुलिस के जवान संयुक्त रूप से फ्लैग मार्च करते नजर आ रहे हैं। गत काल यहाँ पे भाजपा कर्मियों के द्वारा जय श्री राम के नारे का बुलंद करने के बाद भाजपा का आरोप है TMC पर कि TMC के कुछ कार्यकर्ता भाजपा के कार्यकर्ताओं के घरों पर प्रहार किया और उन्हें मारधार धारदार हथियार से किया। तो सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल ना हो जाए, शांति बना रहे, इसको ही देखते हुए शांति को बरकरार रखने के लिए फ्लैग मार्च यहाँ पे BSF के जवानों के द्वारा किया जा रहा है। तो आइए देखें एक रिपोर्ट और समझे चीज़ों को विस्तार से। आप सबका दिन शुभ हो। भारत माता की जय। हिंदुस्तान जिंदाबाद। शहर से दूर कुदरत के बीच छुट्टियों के कुछ दिन बिताना है तो आयुष जंगल रिसोर्ट आपका स्वागत करता है। डुआर्स के खूबसूरतियों के बीच चारों ओर घने जंगलों से घिरा मूर्ति नदी के किनारे, यहाँ AC नॉन AC डिलक्स रूम के साथ साथ आनंद लीजिए स्वादिष्ट और हाइजीनिक खाने का। हमारे यहाँ जंगल सफारी के सुव्यवस्था के साथ साथ पिक एंड ड्रॉप सेवा भी उपलब्ध है। आज ही आए छुट्टियों के कुछ दिन बिताने आयुष जंगल रिसोर्ट गोरुमारा बंगलो के नजदीक न्या मूर्ति नदी लाटागुड़ी। नमस्कार, आपको बता दें कि फ्लैग मार्च अर्धसैनिक बल BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स सीमा सुरक्षा बल और वेस्ट बंगाल पुलिस पश्चिम बंगाल पुलिस, यह दोनों संयुक्त रूप से फ्लैग मार्च करते नजर आ रहे हैं। फ्लैग मार्च जो है खुलाई बख्तरी में, जहाँ पे इसका एक दूसरा छोर जो कि तुलसीनगर तक यह जवान जो है पहुँचते हुए नज़र आ रहे हैं। वास्तव में आपको बता दें, फ्लैग मार्च क्यों किया जाता है? फ्लैग मार्च करने का उद्देश्य केवल एक ही होता है, जब कहीं भी सेंसेटिव इलाकों में, संवेदनशील इलाकों में जब माहौल बिगड़ता नज़र आता है तो सरकार जो है इस पर नियंत्रण लगाने के लिए, या यूँ कह लीजिए प्रशासन जो है इस पर नियंत्रण लगाने के लिए वह अपना दल बल के साथ में साम दाम दंड भेद सब कुछ लेते हुए चलती है, लोगों को प्यार से समझाती है ताकि किसी भी किस्म का कोई अप्रिय घटना ना घट जाए और लोग कोई भी ऐसा कांड ना करे जिससे कि निर्दोष लोगों के ऊपर में किसी भी किस्म का कोई भी असुविधा झेलना पड़े। और इसी के मद्देनज़र आपको बता दें, यह फ्लैग मार्च निकाला गया है। इस वक्त आप द ग्लोबली न्यूज अपडेट्स के सौजन्य से देख पा रहे हैं। इस पिक्चर को मैं आपको दिखा रहा हूं और सभी से मैं अपने चैनल के सौजन्य से आह्वान करना चाहता हूं कि आप सभी शांति बनाए रखें, एक दूसरे से प्यार करें, और जो भी कोई व्यक्ति विशेष अगर आपके साथ अत्याचार करने की चेष्टा करता है तो कानून को अपने हाथ में लिए बगैर आप प्रशासन से इसकी गुहार लगाएं, प्रशासन को इसकी सूचना दें, प्रशासन आपको ज़रूर साथ देगी, कानून को अपने हाथ में ना लें। यही तो ग्लोबली न्यूज अपडेट्स का परिवार आपसे विनती करेगा, क्योंकि इसी में शांति में ही सब कुछ है। कहते हैं ना, पोथी पर पढ़ जग मुआ, पंडित भया ना कोई, ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। वह असुरी प्रवृत्ति के लोग थे जो इस तरह का कांड किए और उनके वजह से माहौल जो है इतना तक बिगड़ा जो नहीं होना चाहिए था। आज भारतीय जनता पार्टी के सौजन्य से 12 घंटा का बंद का आह्वान किया गया था और कुछ तो माटीगढ़ा इलाकों को आज 12 घंटे के लिए बंद रखा गया था। तत्पश्चात आज संध्या के वक्त लगभग 5 बजे भारतीय जनता पार्टी BJP के सौजन्य से एक प्रोटेस्ट रोड मार्च निकाला गया था, जिस प्रोटेस्ट रोड मार्च को द ग्लोबली न्यूज अपडेट्स का टीम उसे कवर भी किया। और आपको बता दें, उसमें हमारे ही चैनल पे आप देख पाएंगे, हमारे पेज पे, कि उस प्रोटेस्ट रोड मार्च में देखा गया कि प्रशासन के आला अधिकारी दार्जिलिंग मोड़
पार करने के बाद ही बैरिकेटर लगा करके रोकने की चेष्टा की, लेकिन लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं थे। बैरिकेटर को तोड़ते हुए वह आगे बढ़े और आगे बढ़े उसके बाद उनमें से तमाम लोगों में से केवल 5 लोगों को यह इजाज़त दी गई कि आप सीपी सर यानी कि सिलीगुड़ी के पुलिस कमिश्नरेट सी सुधाकर सर जी से आप जाकर के मिल सकते हैं और आपकी जो भी ज्ञापन है, जो भी डेपुटेशन है, आप उन्हें शांतिमय ढंग से दें। तो जुड़े रहें हमारे साथ और साथ ही शांति बनाए रखें। बीएसएफ के जवानों को आप देख पा रहे हैं फ्लैग मार्च करते हुए। ऐसे ही अपडेट्स के साथ हम पुनः मिलेंगे आपके साथ। आप सबका दिन शुभ हो। भारत माता की जय। हिंदुस्तान ज़िंदाबाद।